गदर 2 के डायरेक्टर है हमारे नितिन शर्मा। हाँ नितिन शर्मा, उन्होंने वो बोलते हैं ना कि फेक कलेक्शन जवान का, पठान का, हर मूवी का फेक कलेक्शन। तो भाई उनकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है फेक कलेक्शन की। वो इंडिया में 525 करोड़ उन्होंने बताया कि हमारा मतलब फेक मतलब कलेक्शन हुआ है। तो उनका जो मेन कलेक्शन हुआ था ना 1.75 करोड़ का कलेक्शन था। मैंने KRK चाचा की वीडियो देखा। अच्छा। और आपको पता है KRK मतलब झूठ नहीं बोलता है वो, भले कितना ही बड़ा भी जोकर हो, कितना बड़ा भी गांडू इंसान हो वो, लेकिन झूठ नहीं बोलता है। मतलब टाइगर को बुढ़ो बोलता है वो बात अलग है, लेकिन झूठ नहीं बोलता है। जितना मतलब डायरेक्टर मतलब अपने पोस्टर पर बता रहे थे ना कि मतलब अनिल शर्मा के हमने 525 करोड़ का मतलब रियल कलेक्शन है, तो टोटल फेक कलेक्शन था। KRK की वीडियो में आप जो रात भर चलाते हैं ना न्यूज़, बॉलीवुड रात भर, तो उसमें जाके देख सकते हो फुल प्रूफ के। हेलो एवरीवन, फिल्मी क्रेज में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन की घंटी उसको भी प्रेस करना ताकि हमारी हर वीडियो हर अपडेट आप तक पहुँच जाए। फाइनली जी हाँ दोस्तों, टाइगर इज बैक फाइनली रिलीज होने जा रही है और हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं दोस्तों टिकट्स बुक करके हमारे हेलमेट मैन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। फाइनली आपने टाइगर 3 का सुबह सात बजे का टिकट्स बुक किए हैं, वो भी इतनी रात को जाके, वो भी देखो हेलमेट लगाए, बाइक से गए भाई ने और टिकट लेके आ गए। तो चलिए इनसे जाने की कोशिश करें कितने एक्साइटेड है ये जी। लेकिन मैं गया थिएटर और थिएटर में इसलिए गया कि मुझे एक्साइटमेंट देखनी थी लोगों की, कितनी लाइन है वहाँ पर। और एक्चुअली में मतलब लाइन थी यार, क्या बात है। हाँ जहाँ पे टिकट निकालने गया ना एक्चुअली वहाँ पर लाइन थी। वैसे तो आजकल डिजिटल जमाना है, नरेंद्र मोदी जी ने लेके आ चुका है डिजिटल, मतलब बुक माई शो से आप निकाल सकते हैं टिकट। बट यार बोलते ना इस चीज़ का मतलब हमको गवाह बनना है इस चीज़ का, हर एक पल मतलब बोलते ना सलमान सर के फैन इंजॉय करना है। तो मुझे वो लाइन भी देखनी थी कि भाई के लिए क्रेज़ कितना है। तो ये उन चूतियों के लिए लाइन है कि जिन्होंने बोला है कि मतलब थिएटर में भीड़ नहीं होगी, सिर्फ बैंड्रा के गेटी गैलेक्सी के शोज फुल है। तो मैं उनको बता दूँ किसके ऊपर था ये, देखो भाई सीधा सीधा समझदार को इशारा काफ़ी है, जो बैंड्रा के बंदर है। अच्छा। वो एक ही है हमारे प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे B4 बॉबी डार्लिंग। तो समझदार को इशारा काफ़ी है, जो ट्रोल करता है ना यार, देखो ट्रोल से कुछ नहीं होने वाला। बट मैं जिस बात पे था, पहले वो बात क्लियर करूँ, इन पे दोबारा आएंगे। हाँ मैं जिस बात पे था ना कि मैंने मतलब उस चीज़ को मतलब फील किया अपने अंदर, उस चीज़ को रियलाइज़ किया कि भाई के लिए कितना स्टार्डम है, कितना फैन है। एडवांस बुकिंग के लिए मतलब लाइन लगी थी, लोग निकल सकते हैं यार ऑनलाइन, बट फिर भी थिएटर में आके पहले एडवांस बुकिंग कर रहे हैं। तो यार मुझे बहुत मज़ा आया और मेरी तबीयत भी ख़राब थी एक्चुअली, बट फिर भी मैं गया। अच्छा। और राम मंदिर गया, वहाँ पे टिकट्स मैंने अपनी बुक की सुबह 7 बजे सिनेपॉलिक्स में। हाँ सुबह सात बजे का शो है। बॉबी भाई बोल रहे गेटी में खाली फुल रहेगा, बाकी इंडिया खाली। हाँ बॉबी भाई ना, वो उनकी एक पिक्चर मतलब एक अक्षय कुमार की मूवी आई थी सेल्फी। हाँ ब्लॉकबस्टर मूवी थी, मतलब टिकट्स नहीं मिल रही थी कहीं पे। अच्छा। इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर थी ना वो मूवी, मतलब जगह जगह पे इतनी लाइन लगी थी ना कि मतलब वर्ल्ड में इतनी लंबी लाइन कहीं नहीं लगी। मैंने इतनी बड़ी लाइन देखा था सेल्फी के लिए। और बोलते ना 120 करोड़ की ओपनिंग ली थी उस मूवी ने, तो जान सकते हो कि भाई कितना बड़ा स्टार्डम है अक्षय कुमार का, बॉबी देओल का। और एक दूसरी बात है ना, मुझे आज नहीं कल ही मालूम पड़ी एकदम नई। अच्छा। कि जो बोलते ना हमारे जो गदर 2 के डायरेक्टर है हमारे नितिन शर्मा, उन्होंने वो बोलते ना कि फेक कलेक्शन जवान का, पठान का, हर मूवी का फेक कलेक्शन। तो भाई उनकी रिपोर्ट भी सामने आ गई है फेक कलेक्शन की। इंडिया में 525 करोड़ उन्होंने बताया कि हमारा मतलब कलेक्शन हुआ है। तो उनका जो मेन कलेक्शन हुआ था ना 1.75 करोड़ का कलेक्शन था। मैंने KRK चाचा की वीडियो देखा। अच्छा। और आपको पता है KRK मतलब झूठ नहीं बोलता है वो, भले कितना ही बड़ा भी जोकर हो, कितना बड़ा भी गांडू इंसान हो वो, लेकिन झूठ नहीं बोलता है। मतलब टाइगर को बुढ़ो बोलता है वो बात अलग है, लेकिन झूठ नहीं बोलता है। जितना मतलब डायरेक्टर मतलब अपने पोस्टर पर बता रहे थे ना कि मतलब अनिल शर्मा के हमने 525 करोड़ का मतलब रियल कलेक्शन है, तो टोटल फेक कलेक्शन था। KRK की वीडियो में आप जो रात भर चलाते हैं ना न्यूज़, बॉलीवुड रात भर, तो उसमें जाके देख सकते हो फुल प्रूफ के साथ है। तो गटर 2 थी और सेल्फी जैसी, और जो अभी लास्ट एक मूवी आई थी अक्षय कुमार की मिशन रानीगंज। देखो मुझको नाम भी याद नहीं रहते यार, तो मिशन रानीगंज आई थी, तो मतलब वो मिशन भी फेल हो गया, मतलब
फ्राइडे को अक्षय कुमार मिशन पे चले और अगले फ्राइडे तक उतर गए। तो मतलब इतनी जल्दी थी अक्षय कुमार को। तो यार देखो, बहुत बॉबी भाई जो है ना हमारे बैंड्रा के बंदर, उनकी जो चॉइस है ना उनकी तरह ही है, समझ रहे हो। एक तो वो है रंडुआ, हाँ, उसने अभी तक शादी नहीं किया, समझ रहे हो। उसको चिड़े कि सलमान खान क्यों नहीं कर रहा शादी, वो फॉलो सलमान खान के रूल को ही कर रहा है। हाँ, वो भी मतलब मर रहा है अकेले बॉबी भाई भी, बट क्या करे, जलता है भाई से, पता है बाजू में ये कान पे रखेंगे ना सीधा हो जाएगा। तो यार बॉबी भाई, नेगेटिविटी फैलाना बंद करो, मूवी बहुत अच्छी है। और देखो, मेरा प्रेडिक्शन हमेशा रहा है 60 से 65 करोड़ का। मैं नहीं बोलता 80 करोड़ करेगी, मैं नहीं बोलता 90 करोड़ करेगी। मैं गटर टू की तरह, गटर टू को आपने देखा था ना जिसे मास्टरपीस, मैं नहीं कहता मूवी को मास्टरपीस, मूवी अच्छी होगी। भाई का स्टारडम अच्छा है, किसी का भाई किसी की जान, चाहे वो भारत हो, चाहे वो राधे हो, चाहे वो ट्यूबलाइट हो, 100 करोड़ क्लब में कलेक्शन, मतलब 100 करोड़ का कलेक्शन किया है। और तुम्हारे जो सनी पाजी थी ना, जो सनी पाजी मतलब इतने साल के बाद है, साल के बाद तो नहीं आए, उनकी कुछ मूवीज आई थी जैसे मुझे याद है शायद यमला पल्ला दीवाना, चुप, और आई थिंक को एक मूवी आई थी चुप, हाँ चुप मूवी आई थी। तो मतलब वो चुप ही हो गई थी मूवी, हाँ बॉक्स ऑफिस पर वो चुप ही थी। और एक शायद घायल या घातक रिटर्न ऐसी कुछ आई थी, हाँ घायल, वो मतलब घायल ही हो गए थे। तो गदर 2 का चलने का मेन रीज़न यही था, सिर्फ और सिर्फ 22 साल की हाइप, पाकिस्तान को दिखाना, हैंडपम्प उखाड़ना, हमारे इमोशंस थे, मूवी अच्छी थी। मेरे लिए उनके लिए कोई मतलब बुरादगी नहीं है, बट सनी देओल 68 की उम्र में वो बुढ़ा इंसान है, कुछ नहीं कर पाएगा। 3-4 मूवीज मिली है और आप बोल रहे हो टाइगर कुछ नहीं कर पाएगा, तो टाइगर है ना भाई, चीर फाड़ देगा। बॉबी भाई, आपका जो काले कुत्ते की तरह मुँह है ना, बंदर की तरह, उसको छुपा देना संडे के दिन 12 तारीख को, वरना उसके फैन लोग बहुत मारेंगे आपको। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टाइम। यू वेलकम, बाय बाय।